आपने? जो सदगुरु महाराज थे हमारे, वो कह के गए और यहाँ पे निष्कलंक भगवान का अवतार होने वाला है और यहाँ पे आने वाले। गाजी न्यूज चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। पिराना दरगाह पर आरएसएस के लोगों ने कब्जा करके वहां मंदिर बना दिया। पिराना गांव जहां से भारी तादाद में मुस्लिमों ने पलायन किया है दोस्तों, उनके पलायन करने की वजह यही बताई जा रही है कि आरएसएस के कुछ लोग उस गांव में घुसे, मुस्लिम समाज को काफी डराया, धमकाया, हड़काया, साथ ही पिराना दरगाह पर भी कब्जा कर लिया, जिसके बाद उस गांव के मुस्लिम पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। इस खबर से जुड़ी अपडेट क्या है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, गुजरात के पिराना गांव में भारी तादाद में मुसलमानों के पलायन करने की खबरें जो है वो सामने आई। हम वो खबर पहले भी आप तक पहुंचा चुके हैं, दिखा चुके हैं। अब ये खबर आ रही है कि मुसलमानों ने पलायन इसलिए किया क्योंकि आरएसएस के लोगों ने उन्हें डराया, धमकाया और करीब 550 साल पुरानी दरगाह पर भी कब्जा करके उस जगह पर मंदिर बना दिया गया है। जी हाँ, वहां के ट्रस्टी ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वहां दरगाह भी थी। आपको सबसे पहले तो मैं दरगाह के अंदर का वीडियो दिखाना चाहूंगी जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि दरगाह को ढकने का काम किया जा रहा है। वहां बीच में एक बड़ी सी दीवार खड़ी की जा रही है जिसका विरोध यहां पर मुस्लिम समाज कर रहा है। ये वीडियो आप देखें, उसके बाद आगे की बात करें। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से दीवार खड़ी की जा रही है और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि ये सब कुछ पिराना के कलेक्टर की मंजूरी से किया जा रहा है। कलेक्टर ने मंजूरी दी, उसके बाद ये हो रहा है। उन्होंने इस बात की अनुमति दी है, मंजूरी दी है, इसलिए वहां दरगाह के बीचों बीच दीवार खड़ी की जा रही है। अब हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं दोस्तों कि वहां कैसे दरगाह को मंदिर बना दिया गया है और इस बात का सबूत तस्वीरों के जरिए सामने आया है। स्क्रीन पर आपको हम दो तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं दोस्तों। एक तस्वीर में द इमाम शाह बाबा संस्था ट्रस्ट लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे दरगाह के ऊपर लिखा हुआ है, ये पहले की तस्वीर है। वहीं दूसरी तस्वीर जो है ये आपकी तस्वीर है, इसमें पिराना दरगाह की है लेकिन उस पर लिखा हुआ है संत पंथ प्रेरणा पीठ पिराना, यानी दरगाह का नाम बदला जा चुका है और उसे मंदिर बता दिया गया है। अब दोस्तों, सहेल कुरैशी जो इस पूरे मामले पर तहकीकात के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। उन्होंने दरगाह के ट्रस्टी से भी बात की। इस दरगाह के ट्रस्टी तो खुलेआम दरगाह को मंदिर बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हमारा ट्रस्ट है उसमें भी सिर्फ हिंदू ही हिंदू है, उसमें मुस्लिम कोई नहीं है, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ दरगाह है। वीडियो देखिए। नहीं है इसमें, जो सदगुरु महाराज थे हमारे, वो कह के गए और यहाँ पे निष्कलंक भगवान का अवतार होने वाला है और यहाँ पे आने वाले, उसका ये मंदिर है, लेकिन अंदर अभी जो जिसका मजार है। तो इस तरीके से कलेक्टर साहब ने जमीन सौंप दी है पटेल समाज को, जो वहां दरगाह को मंदिर में तब्दील करने पर तुले हुए हैं। अब ये सहेल कुरैशी ने पिराना गांव की महिलाओं से भी बातचीत की दोस्तों। पहले तो उन्होंने ट्रस्टी से बात की, उसके बाद महिलाओं से बात की। बातचीत, महिलाओं से बातचीत में क्या निकलकर सामने आया है वो वीडियो भी आपको दिखा देते हैं। ये वीडियो भी आप देख लीजिए। या किसी का नाम सैयद से शुरू होता है, कौन से भगवान का नाम सैयद से शुरू होता है? सैयद इमाम साहब बाबा कुफरे सिकन इनका नाम है। और ये जो दरगाह है, जो श्रद्धालु लोग आते हैं, सब सबका अलग तरीका होता है पूजा करने का, दुआ करने का। वो जो हिंदू लोग आते हैं अपनी तरह से उसको पूजा करते हैं, तो क्या वो दरगाह को मंदिर बना देंगे? जी, तो उस गांव की मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि वहां उस दरगाह पर हिंदू धर्म के लोग भी आते थे, पर दरगाह को मंदिर कैसे बनाया जा सकता है? हिंदू धर्म के लोग आ सकते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दरगाह को मंदिर बना दिया जाए। वहां मुस्लिम समाज की महिलाओं का यह भी कहना था कि ये पुलिस उनके बच्चों को भी उठाकर ले गई है इस पूरे विरोध के कारण, इसलिए हम यहाँ पर विरोध करेंगे। उनका वीडियो देखिए। हमारे लड़के बच्चों को डब्बे में पूर के ले गए हैं, पुलिस स्टेशन ले गए, लड़कियों को भी ले गए, औरतों को, बच्चों को, सबको ले गए हैं हमारे। जी, तो पुलिस कार्यवाही भी इन्हीं पर कर रही है। मुस्लिम धर्म के लोगों को पुलिस उठाकर भी ले जा चुकी है सिर्फ इसलिए
क्योंकि वो दरगाह को पूरी तरीके से मंदिर में तब्दील करने की जो साजिश है, जो साजिश की जा रही है, उसका विरोध कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस दरगाह को पहले से ही हजरत पीर सैयद इमराउद्दीन कुफरेशिकान पिराना की दरगाह के तौर पर जाना जाता है। काफी फेमस दरगाह है और अहमदाबाद से महज 20 से 25 किलोमीटर दूर है। हालांकि इस दरगाह के अंदर एक मंदिर भी है, इसके अलावा एक दरगाह भी है, पर दरगाह के लिए जाने वाला जो दरवाजा है अब वो बंद कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ मंदिर के अंदर जाने वाला बड़ा सा दरवाजा खुला हुआ है और एक ही दरवाजा है, तो दरगाह पर नहीं जा सकता कोई भी श्रद्धालु। अब आपको बता दूं कि पिराना दरगाह के बाहर मुस्लिम समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया और बहुत जबरदस्त धरना प्रदर्शन, जिस पर पुलिस उन्हें वहां से उठाने आई तो पुलिस पर किस तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों ने आक्रोश जाहिर किया है आपको वीडियो भी दिखा देते हैं। ये वीडियो भी देखिए। લોઈ લોડે તમે આપી શકો છો સાહેબ, તમે આપી શકો છો સાહેબ, તમે લોઈ લોડે નું પ્રશ્ન આપીને રોકી શકો છો સાહેબ, અમને રોક્યા છે, હા અત્યારે લઈ જાઓ તમે, અરે ઓર્ડર તમે ના આપો મને ખબર છે સાહેબ। जी, तो जब दरगाह के बाहर बैठकर धरना दिया जाने लगा तो पुलिस ने वहां से लोगों को हटाने की कोशिश की और कहा कि लॉ एंड ऑर्डर तुम लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हो, ये मत करो, ये सब नहीं चलेगा यहां पर। इस पर वहां के लोगों ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर तो आपकी निगरानी में खराब हुआ है साहब, आप अगर ध्यान देते तो खराब होता ही नहीं, दरगाह में जो हो रहा है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, लेकिन हम यहां धरना प्रदर्शन बैठे तो हमको भी हटा दिया जाएगा। पिराना के मुस्लिम समाज का आरोप है दोस्तों कि पहली बात तो ये कि दरगाह थी जिसे मंदिर में तब्दील किया जा रहा है, ये सच है, हकीकत है। वहीं दरगाह और मंदिर के बीच एक दीवार खड़ी की जा रही है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में वीडियो दिखाया, जिसके बाद एक तरीके से कहेंगे तो पूरे दरगाह की जमीन पर मंदिर बनाने का काम अब जोरों शोरों से शुरू है और मानने के लिए भी तैयार नहीं है ट्रस्टी की वहां दरगाह है। नहीं कह रहे बल्कि अब मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रही हूं कि हमारा दावा नहीं है, ये वहां के लोगों का दावा है, स्थानीय लोगों का दावा है। वहां से मुस्लिम समाज पलायन करने को मजबूर है, उनके तमाम वीडियोस वायरल हो चुके हैं, अभी भी कई वीडियोस लगातार वायरल हो रहे हैं दोस्तों, जिसमें भारी तादाद में मुस्लिम समाज पलायन कर रहा है। तो आखिर सवाल यह है कि एक गांव पिराना जहां बरसों से बसी एक दरगाह को मंदिर बना दिया गया है, आरएसएस के गुंडों की दहशतगर्द से लोग पलायन करने को मजबूर है, मुस्लिम समाज पलायन करने को मजबूर है, लेकिन यह खबर बड़े बड़े चैनलों से गायब है। ये नरेंद्र मोदी जी का जन्म स्थान गुजरात है, जहां एक समाज पलायन करने पर मजबूर है, लेकिन ना तो केंद्र सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है, हालांकि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार चल रही है, और ना तो गुजरात सरकार ने पलायन को अभी तक रोका है या इस पर कोई एक्शन लिया है। तो क्या चल रहा है गुजरात में, इसके जवाबदेही गुजरात सरकार या वहां के कलेक्टर साहब लेंगे क्या, जिन्होंने दरगाह को मंदिर बनाने की इजाजत दे दी है। अब इस तरीके से अगर और कोई समाज, मान लीजिए, फर्ज कीजिए हिंदू समाज अगर पलायन करने को मजबूर होता या किसी और राज्य की ये खबर होती, ये खबर मीडिया से गायब रहती क्या, बताइए ना। पर कोई बात नहीं है दोस्तों, ये खबर गोदी मीडिया आप तक पहुंचाए या फिर ना पहुंचाए, हम इस मामले से जुड़ी एक एक अपडेट, इस खबर से जुड़ी एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको हमारी न्यूज कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप गाजी न्यूज चैनल पर नहीं हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा।